Hi, I'm Prashant. Hi, I'm Aditya. Hi, I'm Udeshya. Hi, I'm Akash. Today we are going to discuss about whether there should be coaching classes for competitive exams for children of classes 6 to 10. I think they are pretty much useful. Classes honi hi chahiye, isse extra edge milti hai. Agar shuruaat se taiyari ho rahi hai, बच्चों की तो बड़े होके उन्हें बहुत हेल्प मिलती है कि शुरुआत से स्टार्ट करेंगे तो फिर उनका बचपन कहाँ जाएगा चाइल्डहुड जो होगा उसका एक्सपीरियंस तो खत्म हो जाएगा। के बच्चे कितने 11 साल के होते हैं उस समय से इतना बोर्डिंग कहाँ से पर देखो अभी जैसे जितना भी तुम्हारा कंपटीशन चल रहा है इसके अनुसार देखो अगर बच्चे अभी से नहीं करेंगे तो काफी दिक्कत आ जाएगी तुम कॉम्पिटिशन से भी तो रिलेट करो मतलब चाइल्डहुड भी तो देखो तुम अभी अपना चाइल्डहुड बना रहे हो तुम उसको एंजॉय करो 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 क्या होगा तुम्हारा लोग आगे निकल गए होंगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे सोसाइटी एकदम पीछे अब तक लोग भी तो बिना इसके चल रहे थे नहीं अब तक थोड़ा सा धीरे धीरे कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है करना चाहिए ना देखो सर्टेन एज तक बच्चों को देनी चाहिए फ्रीडम उस एज तक बच्चे एंजॉय करें उसके बाद उन्हें जब खुद अकल आ जाती है कि हमें कुछ करना है तो खुद पढ़ाई करेंगे अगर तुम्हें अपनी लाइफ अच्छी बनानी है तो तुम्हें ऑब्वियस सी बात है कि मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत पहले से करनी पड़ेगी मतलब 9th 10th से करो 6th से क्यों कितने छोटे होते हैं बच्चे इस एज से बर्डन नहीं डालनी चाहिए उनकी सोशल लाइफ देखो कितना फर्क पड़ता है उस पर कितना बर्डन पड़ता है उन पर इतना चाहिए कितना स्ट्रेस हो जाते हैं एंजॉय बिल्कुल नहीं कर पाते हैं लेकिन अब अगर बच्चों पे पहले से बर्डन आएगा तभी तो वो सीख पाएंगे कुछ तभी तो उनको पता चलेगा प्रेशर क्या होता है तभी वो सोसाइटी की हर बच्चा ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए भी हमारे पास हर बच्चे को जेई पास भी ना हम कहाँ बोल रहे हैं कि सारे बच्चे जेई पास करेंगे इस कारण पर पढ़ते कई बच्चों के पढ़ के वो कितने मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके उन लोगों के छोटे लोगों के कारण हम पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का बनी थोड़े लोग इंस्टीट्यूट में आते हैं बाकी लोग इंस्टीट्यूट में नहीं आते थोड़े लोग का बात कर जो में आते हैं तुम ये बोल रहे हो थोड़े लोग के कारण हम इन लोगों को नहीं रोक सकते ऐसा कुछ होता है थोड़े लोग हैं जो यही क्लियर कर पाते हैं बाकी कई लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं तो बहुत लोग को उनसे फायदा नहीं होता है जो लोग यही क्लियर करते हैं उनके इन चीजों से फायदा होता है बहुत ज्यादा फायदा कई लोग मेंटली प्रॉब्लम होती है उनका फिजिकल भी होता है वीक हाँ ये बात भी होती है सुबह साउथ में क्लासेस होते हैं सुबह 7 बजे से रात 9-10 बजे तक अब कैसे हो सके लाइफ क्या रहेगी बच्चे क्लासेस है उनकी पूरी जिंदगी तो किताबों में रहेगी 6 से 12 तक पढ़ाई करो जेई में और यहाँ पर हर जिंदगी पढ़ते रहोगे कुछ एंजॉय नहीं करना क्या बोल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ फिर क्या है कि के पढ़ रहे वो तुमसे आगे निकल जाएंगे हाँ जो ज्यादा पढ़ेगा वही आगे जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ अगर पढ़ाई लाइफ में 10th 12th 6th से यहाँ उस समय बच्चों को नहीं देना चाहिए वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रही है ना तुम कोचिंग क्लासेस को क्यों ब्लेम कर रहे हो कि तो कोचिंग क्लासेस खुलेंगी तो पेरेंट्स मतलब अट्रैक्ट होंगे ही बच्चा ज्यादा करे तो उम्मीद अगर हमें पूरे वर्ल्ड से कॉम्पीट करना है अगर इंडिया डेवलप करना ही है तो ये सारी चीजें जरूरी है अब तक तो 6 क्लासेस नहीं होती अभी भी इंडिया कॉम्पीट करती है तो तभी तो रीसेंट वर्ल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड हमें खुद को अपडेट करना चाहिए तुम्हें अपना डेवलपमेंट जारी रखना अपनी टैक्टिक्स पड़ते तुम्हें अपने अंदर बहुत से चेंजेस लाने पड़ते ये भी देखा गया है कि बच्चे रीडिंग के आदी हो जाते हैं अगर बचपन से मतलब इतना डाल दिया जाए कि 6th स्टैंडर्ड से पढ़ो पढ़ो घर से दूर रहो घर में माँ बाप नहीं रहते हैं सुबह 7 से रात 10 बजे तक पढ़ेंगे तो क्या होगा उनका स्पून फीडिंग का आदत हो जाएगा यही करेंगे 6th स्टैंडर्ड से सोचो अगर बच्चे रहने लगे तो उसे क्या आदत पड़ेगा वो स्पून फीड एक्चुअली बोल नहीं सकते वो एक तरह का गाइड होता है मतलब तुम होगे तभी तुम चीज को सीख पाओगे तुम चाइनीज कल्चर देखा है जापानीज कल्चर देखा है उसमें बंदे जब 5 साल मतलब 10 साल से जस्ट खाली 5 साल मतलब उनका बचपन अभी कुछ ठीक है तब उनको अपने माँ बाप लिया जाता है उनको ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है उनको जो भी उनका जो मोटो होता है उनको पूरा करने के लिए उनको भेज दिया जाता है और कि बच्चे स्कूल बंक करने लगते हैं स्कूल बंक करते हैं नेगेटिव में इतने चले जाते हैं इतना बढ़ जाता है कि वो लोग मतलब तंग आ जाते हैं कि नहीं आप स्कूल छोड़ ही दो
और एक बार अगर मतलब छूटा ये आदत लग गया स्कूल बंक करने का, उसके बाद फिर आदत बढ़ते ही जाता है। ये बहुत बड़ी और बहुत देखा गया इंडिया में कि अगर एक बार लोग शुरू हो गए बंक करना तो उसका कैच नहीं कर पाते, उसका उन्हें लगता है कि कभी नहीं कर सकता हूँ ये चीज, तो उसके बाद वो फिर बंक करने लगते हैं, उसके बाद वो दूसरे रास्ते में चले जाते हैं। ये क्यों है? बर्डन के कारण। बर्डन क्यों है? शिक्षा से। देखो जो बच्चे स्कूल बंक नहीं करते, ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं, मतलब तुम उन 10% बच्चों को देख रहे हो स्कूल बंक करते, बाकी 10% नहीं है, बहुत है। अब अभी हम लोग आंकड़े पे नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम 25% से तो कम है ही। अगर तुम उन 75% को छोड़ के उन 25% को देख रहे हो तो गलत बात है। 75% बच्चे ऐसे भी है जो क्लासेस अटेंड करते हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो ट्यूशन जाते हैं, जो सब चीजें करके मैनेज करके फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगर ये बात है 75% इतने हैं, फिर जेई में इतने कम लोग क्यों आते हैं? जेई की सीट्स लिमिटेड है यार, बिकॉज बच्चे पढ़ाई करती अभी तो इसको दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम जाता है, बिकॉज यहाँ पे सब पढ़ाई करने वाले आते हैं, फिर बहुत कम लोग इसको क्लियर कर पाते हैं और इसीलिए इसको टफेस्ट बनाया है। जेई का पॉइंट लिखा गया है कि अगर बच्चा 9 से शुरू करे तो कर सकता है। बच्चे इतने इतने बच्चे होते हैं जो 10th के बाद शुरू करते हैं अच्छे से पढ़ाई करना, कोचिंग करना, भी वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, जेई क्लियर करना एक अलग बात है, और जेई में एक मतलब देखो कॉलेजेस अच्छी होती है, उनकी प्लेसमेंट उस कॉलेजेस की प्लेसमेंट अच्छी होती है, लेकिन उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। कुछ एक ब्रांच वालों की ज्यादा अच्छी होती है, कुछ एक ब्रांच अच्छी होती है, तो तुम्हें ब्रांच चाहिए होती है, तो एक जगह चाहिए, तुम्हें एक पर्टिकुलर आएगी पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए वहाँ पे, तो तुम्हें उसके लिए एज चाहिए होगा, तुम्हें एक अच्छा रैंक चाहिए होगा, तो तुम मतलब शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। बात है कोचिंग सिस्टम, वो हम मानते हैं कि हाँ, क्या अभी है, है, लेकिन पेरेंट्स कि हम हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे उनको भेज जाएगा, सिक्स क्लास बहुत छोटी, हमें अभी तक यही दिखा है कि बच्चों की भी आईटी सब मैक्सिमम 10th के बाद 10th से शुरू करते हैं। अगर हाँ, तो ये सिनेरियो था, अब नहीं, तुम अगर आज 3 साल पहले की बात करो तो तब था कि तुम प्लस 2 में ही खाली जेई कर लो, तब तुम्हारे साउंड चांसेस है कि तुम जेई, लेकिन धीरे धीरे कॉम्पिटिशन बढ़ यार, कर सकता है तो उसमें हाँ, बहुत छोटे होते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये एवरेज सिस्टम हो चुका है कि हर जगह 6 स्टैंडर्ड से शुरू हुआ है, ये हो रहा है ना। हाँ ये बना फिर दो जगह बनेगा, फिर पूरे कंट्री बच्चे कितना बर्डन हो जाएंगे। अरे 6 स्टैंडर्ड में बच्चों को इतना नहीं पता जितना तुम सोच रहे हो, उनको स्कूल से अगर स्कूल में कुछ चीजें पढ़ रहे हैं तो उनका बस होना या उतना ही पढ़ेंगे आगे, सिक्स क्लास के बच्चे के लिए बहुत है, बहुत यार बहुत कम है। अगर तुम सिक्स क्लास का बच्चा कैसा होता है, एक क्लास का बच्चा कर सकता मैंने, अगर प्लस टू की बात कर रहे हो ना, तो प्लस टू में जेई क्लियर करने में नॉर्मल पढ़ाई से लगभग पढ़ना पड़ता है। हाँ हम कब, क्योंकि हमें शिक्षा होती है कि हम खुद कुछ करना है, शिक्षा के बच्चे को इतना नॉलेज कैसे, पेरेंट्स करते हैं कि पढ़ो ये करो वो करो, पेरेंट्स उसके पीछे लगे रहते हैं, उससे उतनी अकल नहीं होती कि मतलब अपने खुद से पढ़ाई करे, खुद करे, तो हम तभी तो उससे 3 गुना नहीं करवा रहे, डेढ़ गुना करवा रहे, कोचिंग उस एज में ठीक नहीं है, इतनी एक्सप्लॉयटेशन में ठीक नहीं है। वैसे भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस चैरिटी के तौर चलाता है नहीं, मोस्ट इज बेसिकली बिजनेस, प्राइवेट है, सब जाते हैं, सब खोल लेते हैं कि मैं 6th से पढ़ाऊंगा, आज 6th एक्सप्लॉयटेशन और बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन, हर जगह पे इतना बच्चा है, सुसाइड ने क्राइम। हां तो आज के इतने डिस्कशन आखिर में इस बात पे पहुंचेगी कि इंस्टीट्यूट वाले चालू रह सकते, को बस इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें एंट्री ले रहा है तो वो सब इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि वो अपने पेरेंट्स की वजह से। हां ये तो है, पर और चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम के बाद शुरू होना चाहिए, एज चाहे बच्चों को ये पास हो जाता है कि वो इस फील्ड में जाना चाहते हैं कि क्रिकेट ही फील्ड है, सीरीज एक ही थोड़ी ना, तो 9th में उन्हें खुद पता चलता है कि हाँ इस फील्ड में जाना है, तो अपने इंटरेस्ट से जा। आई थिंक 9th स्टैंडर्ड ठीक है, ओके तो अग्री करते हैं। आखिरकार मतलब दो चीजों का चाहिए कि ना तो बच्चे अपने पेरेंट्स के बर्डन के कारण इंस्टीट्यूट ना तो बहुत ही अर्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, बिकॉज
एक तो उनका बचपन उनसे छीन जाता है और वो ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां लोग जाने नहीं चाहते। मुझे लगता है मतलब बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को ध्यान देनी चाहिए, सबसे ज्यादा पेरेंट्स को ध्यान देनी चाहिए, बच्चे होते हैं शिक्षक तक। हाँ ये बात भी सही है, पूरा जो फ्यूचर बच्चों का कंट्रोल होता है वही पेरेंट्स के हाथ की बात है, मतलब पेरेंट्स ही तो बच्चों को गाइड कर, जो सबसे पहले जो गाइड करने वाले पेरेंट्स ही है, तो उनके ऊपर उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है इस बात को देखना कि वही उन्हें समझना चाहिए उनके राइट डिसीजन से उनके बच्चों के फ्यूचर को बनाते। कंक्लूजन ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जल्दी हो सकते हैं लेकिन 9th स्टैंडर्ड ठीक है।